हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। मेरे जो रेगुलर इनफर्टिलिटी के सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइबर अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बहुत ही कॉमन और बेसिक टॉपिक लेके आई हूँ कि जो जब भी हस्बैंड वाइफ का सेक्स होता है तो उसके बाद में जो सीमेन बाहर आता है, वीर्य बाहर आता है, तो वो बराबर है या नहीं, मतलब वेदर इट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने का ये कारण ये तो नहीं है ना, ये आपके मन में रोज़ शंका रहती है। तो उसके रिलेटेड आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि सेक्स के बाद जो सीमेन बाहर आता है तो ये सही है या गलत है। तो देखो फ्रेंड्स, बेसिकली क्या रहता है, जो भी हस्बैंड का इजैकुलेशन होता है तो ऑलमोस्ट 1 to 2 ml टोटल सीमेन का वॉल्यूम इजैकुलेट होता है लेडीज़ के वजाइना में। तो बेसिकली उसमें पर ml ऑलमोस्ट एक 20 टू मैक्सिमम 60 मिलियन स्पर्म रहते हैं 1 ml में। अपने को प्रेगनेंसी होने के लिए 1 motile स्पर्म चाहिए रहता है। तो पेशेंट्स, जो भी हमारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो लोग OPD में काफ़ी पूछते हैं हम लोगों को कि डॉक्टर, पूरा सीमेन तो बाहर आ जाता है, फिर स्पर्म कैसे ऊपर जाते हैं? तो शायद उसकी वजह से तो हम लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो रही ना। टोटली गलत है, बहुत बड़ा मिथ है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म हैं और जो मोटाइल स्पर्म है वो 100% आगे बढ़ता है, वो सर्विक्स और यूट्रस से अपना रास्ता ढूंढ के वो ट्यूब में पहुँच जाता है और अंडे को ढूंढी लेता है। तो सेक्स के बाद सीमेन बाहर आना बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अलग और एक गलत फहमी रहती है लोगों में कि सेक्स के बाद ये सीमेन बाहर आता है, तो बहुत सारी औरतें 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटे के लिए लेट के रहते हैं, काफ़ी टाइम पैरों के नीचे वो कुशन लेके पैर ऊपर करके सोते हैं ताकि वो स्पर्म बाहर ना आ जाए। बिल्कुल ही गलत है, वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मोटाइल स्पर्म है उसको इतना स्पीड रहता है कि वो पूरा आगे बढ़ के यूट्रस और वजाइना से आगे बढ़ के वो ट्यूब्स तक पहुंच जाता, और टोटल सीमेन में बहुत सारा और भी मटेरियल रहता है, जिसमें उसमें फ्रुक्टोज रहता है, पस सेल्स रहते हैं और बहुत सारा लिक्विफाइड मटेरियल रहता है, तो वो एक्चुअली बाहर आ जाता है और वो मोटाइल स्पर्म जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का वीडियो है बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है मेनली इनफर्टिलिटी के लोगों के लिए। उसका टेक होम मैसेज यही रहेगा कि सेक्स के बाद आपका वीर्य बाहर आना, हस्बैंड का सीमेन बाहर आना बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है, जिसकी वजह से डरने का नहीं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अलग से आपको आधा घंटा एक घंटा लेट के रहना है वो भी बिल्कुल गलत है। हार्डली 5 to 10 minutes आप लेट के रहेंगे, उसके बाद आप वॉशरूम जाके वजाइना क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का वीडियो है वो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करो, पसंद करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनके साथ डिस्कस करो, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराऊंगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।